हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिविटी कॉर्नर। आज हम एक नए जगह पे आए हैं अभी, इसका नाम है रंगला पंजाब। ठीक है, यहाँ का थोड़ा पीछे का दिखा दो, एम्बियंस देख लो। ये एक्चुअली टेरेस के नीचे है, अभी बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे, नहीं तो टेरेस भी आपको दिखा देते। और जो एम्बियंस है ना, ये थोड़ा सा ढाबा स्टाइल एम्बियंस है। हाँ, जैसे आप चेयर्स वगैरह देख रहे हो तो ये ढाबा जैसा ही है। और आगे जाके हम इसके मेन्यू भी दिखाएंगे आपको, और क्या क्या खाना आ रहा है जैसे हम दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। यहाँ पे रंगला पंजाब का मेन्यू है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूप से स्टार्ट हुआ है, फिर आपका वेज स्टार्टर है, फिर उसके बाद चाइनीज़ दिख रहा है मुझे, फिर कुछ फ्राइज़ वगैरह, चना फ्राई ये सब, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका नॉन वेज स्टार्टर। ये है आपका नॉन वेज स्टार्टर, और फिर इसको हम उल्टा करते हैं और इधर है आपका मेन कोर्स। तो बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ इस रेस्टोरेंट में, यहाँ पे सारे पंजाबी स्टाइल के खाने ही है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद जो भी आएगा हम आपको दिखाएंगे और टेस्ट करके भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा खाना अब आ गया है टेबल में, और सबसे पहले हमारा ये आया है आलू कॉर्न आलू टिक्की कबाब है, और साथ में हमने लिया है प्रॉन कोली वड़ा, जो हम लोग बहुत फेवरेट है। और ये बहुत अच्छा डिश है, ये महाराष्ट्रियन डिश है, और लेकिन हमने इसको थोड़ा सा कम स्पाइसी करके करने बोला, और हम लोगों ने वो ग्रेवी भी नहीं लिया। हाँ, सिर्फ ये और हमने ग्रेवी भी नहीं लिया, हम स्टार्टर की तरह लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं। आलू टिक्की वाला जो बड़ा है वो मैं कर रहा हूँ, कैसा है? अच्छा है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा पुदीना वाला जो चटनी है वो होता तो जबरदस्त, वो चाहिए, शायद मंगवाना पड़ेगा। ओके ओके, मंगवा ले। और क्या है? कोली वड़ा। ओके, क्रिस्पी है, मतलब स्टार्टर टाइप है, नॉट मेन कोर्स, ग्रेवी वाला नहीं है, बस अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, रिकमेंडेड है। ये भी अच्छा है, बट प्लीज दोनों अच्छा है लेकिन थोड़ा सा चटनी के साथ। ओके ओके, कूल। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन दम कबाब भी आ गया है, बहुत अच्छा दिखने में और खाने में तो लाजवाब होगा। सो अभी खाया नहीं है, खाने के बाद बताएंगे। इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मस्त है प्रेजेंटेशन, एक्चुअली वी लव द प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हरा चटनी आ गया है और साथ में चिकन दम कबाब, अब इसको हम खाएंगे, खाके टेस्ट करके बताएंगे। मैंने गलत हाथ से भी कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छा है, मस्त है ना, बहुत अच्छा है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। इतना इतना लो साउंड में बोलने से क्या कैसे चलेगा, थोड़ा एक्साइटमेंट। मैं एक्चुअली चीज को फील कर रहा था इसलिए। okay. तो जैसा कि चिकन ना तंदूर किया हुआ चिकन है, और उसमें पूरा चीज एकदम अच्छे से दम में मिला है। वाओ, मुझे सुन के ही मुंह से पानी आ रहा है। मेल्ट होके सच्ची में अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ स्पाइसी नहीं है। वाओ, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, तो आप खा सकते हो। तो लेट्स गो है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे भूख लग रहा है। हमारे टेबल में आ गया है चिकन कॉटन चीज कबाब। ठीक है, तो ये कबाब में एक्चुअली चीज अंदर डाला हुआ है, और ऊपर से भी थोड़ा सा चीज़ का ग्रेटिंग है, और देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन खा के हम बताएंगे कि कैसा लगता है टेस्ट, राइट? तो चलिए फिर। नहीं, काट के भी तो खा सकता है ना। नहीं नहीं, काट के। अच्छा, स्टार्ट। अच्छा, स्टार्टेड ही है, पूरा एकदम लाइव हो रहा है। कैसा लगा? स्मूथ है, जो अपना चिकन दम कबाब था ना, उसके जैसा कुछ अलग बोलने के लिए नहीं है, नॉर्मल चीज और चिकन का मिक्स है, वो ज्यादा बेटर था, राइट? हाँ, 100%। ओके, कूल, एंजॉय योर कबाब, चलो। और दोस्तों, पंजाबी रेस्टोरेंट में आए हैं तो फिर क्या बिना लस्सी के चले जाएंगे? नहीं, तो तो हम लोगों का पटियाला लस्सी आ गया है, इसको मैं टेस्ट करूंगा। टेस्ट कर लो,
अच्छा है। इतना कूल रिप्लाई क्यों, थोड़ा सा एक्साइटेड होके बोलो। फाड़ू है। लोग ट्राई करेंगे देन। बहुत फाड़ू है, ट्राई करनी चाहिए। ओके तो दोस्तों अब हमारा आखिरी प्लेट आ गया है टेबल पे, जो कि है डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमने लिया है जलेबी और साथ में रबड़ी। दिख नहीं रहा है, ये देखो और जलेबी गर्म है। मुझे जलेबी ज्यादा अच्छा लग रहा है, रबड़ी से भी ज्यादा। हाँ जलेबी गर्म है, रबड़ी ठंडा है। रबड़ी ऐसा नहीं होता है ना, रबड़ी थोड़ा और गाढ़ा गाढ़ा रहता है। नहीं नहीं ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ना। हाँ ठीक है, थोड़ा यस जलेबी क्रिस्पी है। यस हाँ क्रिस्पी है। कैसा लगा? गरम जलेबी, ठंडा रबड़ी, मिक्स होके अच्छा लग गया। ऑसम ऑसम। चलिए दोस्तों तभी फिर से वापस आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो अभी खा लेते हैं दोस्तों। अभी डेजर्ट होने के बाद हम लोग अपना बिल विल पे कर चुके हैं और हमें सौफ और क्या होता है मिस्ट्री होता है वो, सौफ और मिस्ट्री मिल गया है जो एंडिंग वाला है। और देखिए कितना खूबसूरत एक स्टैचू में दिया हुआ है, इसलिए लगा कि इसीलिए इसको हमने सोचा कि दिखा दे आपको। और तो चलिए हम अपना ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, हमारा आज एक्सप्लोर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।